चलिए बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4, जो कि आपकी बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब तक हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था कि किसी भी अगर कोई हमें स्टेटमेंट दी होगी उसको एलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनाना है, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, या फिर हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा कि जब लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनकी रेशियोज देख के हमें कैसे बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं या कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली ये भी हमें बताना था कि कंसिस्टेंट कैसे होगी, इनकंसिस्टेंट कैसे होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन के केस में कंसिस्टेंट होती है जब हमें सोल्यूशन मिलता है, और पैरेलल लाइन्स के केस में हमें सोल्यूशन नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, फिर जब हम थर्ड एक्सरसाइज पे आए बेटा, तो हमने डिस्कस किया कि वहाँ कि जो हमने एलजेब्रिक इक्वेशन बनाना सीखी है, अब इसके सॉल्यूशंस भी हमें निकालने हैं, और जब उसके हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं तो बच्चे उसके लिए मैंने आपको बताया था तीन मेथड थे, एक सब्सटीट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। सब्सटीट्यूशन मैथड हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ लिया है, अब एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास आएगा एलिमिनेशन मैथड। तो एलिमिनेशन से ही आपको पता चल रहा है एलिमिनेट करना, एलिमिनेट निकाल देना, उसको बाहर ही निकाल देना। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ यहां पर होगा। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो बेटा, ये हमें गिवन है x+2y = -1, 2x+3y = 12। मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जर्नल फॉर्म क्या रहती है, ax+by+c = 0, या फिर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हो ax+by = -c। ठीक है बच्चे, अब हमने यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y। एलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब यहाँ से हटा देना है। मान लो अगर ये मेरे पास नहीं होगा तो मैं y की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल जाएगी, अगर ये वाला मेरे पास नहीं होगा तो सिर्फ x होगा तो x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी करके। तो उसी लिए मुझे अगर मैं देखूँ यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है 1, यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है 2, तो अगर मैं सोचूं यहाँ पर x के साथ 2 हो जाए किसी तरीके से और मैं दोनों को माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस माइनस करके तो y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अब ये पूरी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन में मैथ्स में हम कभी भी एक टर्म को अगर कुछ देना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो थ्रू आउट सबको करना पड़ता है, LHS को, RHS को। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर 2 देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, 2x+4y = -2। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ ताकि जो x का कोफिशियंट है वो 2 बन जाए, और अब मुझे जो इक्वेशन मिलेगी ये वाली तो यही रहेगी 2x+3y = 12, ये वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी 2x+4y = -2। ठीक है बेटा, अब देखिए ये भी 2x है, ये भी 2x है, लेकिन ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब अगेन अगर मैं साइन एक इक्वेशन में चेंज कर रही हूँ तो मुझे सारी इक्वेशन में साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तो ये पहले ही माइनस होता तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के सेम साइन है, तो एलिमिनेट करने के लिए, इसको यहाँ से हटाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको नेगेटिव देना पड़ेगा, और जब मैं नेगेटिव दूंगी तो नेगेटिव इसको दूंगी, मतलब नेगेटिव क्या दूंगी, इसका साइन चेंज कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर इसका उल्टा कर रही हूँ, प्लस है इसका माइनस बना रही हूँ, तो जो भी साइन होंगे सबके उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस था, देखो मुझे माइनस चाहिए था, मुझे माइनस लिख दिया, अब सबको चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि सबके साइन क्या है, उल्टे कर दिए हमने। अब देखो ये +2x, ये -2x, ये हो गया बेटा कैंसल आउट। ठीक है, और ये वाई है, ये वाई है, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, 4 का माइनस, 4 माइनस का है, 4 बड़ा है तो माइनस आएगा साथ में, और ये 12 और ये 2 14, ये वाला साइन अब हम नहीं देखेंगे, अब जो हमने नए साइन दिए ना इनको, ये वाले साइन देखने हमने। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से y क्या आ गया मेरा, -14। अब y की वैल्यू मेरी आ चुकी है, मेरे पास ये दो इक्वेशंस थी, दोनों में जो आपको इजी लगती है सॉल्व करना, दोनों में से किसी एक में y की वैल्यू डालो तो x की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाली ले लेती हूँ, ठीक है, देखो फर्स्ट वाली ले लो या सेकेंड वाली ले लो, तो क्या था,
फर्स्ट क्या थी, x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू इंटू वाई, वाई आ गया माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 28, तो x आ गया 27, तो y आ गया माइनस 14, x आ गया 27, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू माइनस 14. अब जो आपके पास आंसर आया है दोनों में से एक इक्वेशन में डाल के आप चेक करोगे, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो इट मीन्स आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है. ठीक है बच्चे, एक बात और, अगर किसी बच्चे के मन में है कि मैम ने x को ही क्यों एलिमिनेट किया, हम y को भी तो कर सकते थे. हाँ, हम y को भी कर सकते हैं. देखो बेटा, अगर y को करना है तो क्या करना पड़ेगा, y के कोफिशियंट्स को सेम बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो y के कोफिशियंट को सेम बनाने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आपको कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जो 2 के टेबल में भी आए, 3 के टेबल में भी आए. कौन आता है, 6 आता है, तो 6 आता है, तो 2 कितने जा 6 आता है, 3 जा और 3 2 जा. फिर आपको इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, फिर आपका यहाँ 6y आ जाएगा, फिर आप साइन चेंज करके तो इसको एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो. लेकिन उस केस में आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के केस में ऑलरेडी 2 है, सिर्फ एक को ही हमने मल्टीप्लाई किया. ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा एक डिवाइड में भी ले लेते हैं, जैसे ये है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 और x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. सिमिलर क्वेश्चन मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करवाया था आपको. ठीक है, क्या करना होता है यहाँ पे, डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है क्योंकि हमारी जर्नल फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c. ठीक है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं, एलसीएम ले लो. देखो आ जाएगा 6, ये आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 1, 6 को इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6. इक्वेशन 1 बन चुकी है. सेकंड वाली को लो, 3 दे दो, 3x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 इधर जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9. दोनों इक्वेशंस मेरी बन चुकी हैं. अब देखो यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है. ठीक है, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों साइन ये पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो देखो मैंने ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड ले ली, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9. देखो बेटा यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों x के कोफिशियंट्स जो हैं सेम हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, इसलिए मुझे साइन जो है चेंज करने पड़ेंगे. अगेन साइन जो है वो एक पर्टिकुलर टर्म का मैं चेंज नहीं कर सकती, तो इसलिए थ्रू आउट मुझे LHS RH इस इक्वेशन के सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, अपोजिट करने पड़ेंगे. प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4y प्लस 1y आ जाएगा 5y, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, तो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, y आ गया मेरा माइनस 3. अब y की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में डाल दो दोनों में से, ठीक है, जो आपको ईजी लगे. ठीक है, मुझे ये इजी लग रही है तो मैंने क्या कर दिया, इसमें y की वैल्यू डाल दो, 3x माइनस y है माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, 3 प्लस का था इधर जाएगा तो माइनस का, 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो सॉल्यूशन मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ही हमने ये करना है. तो अगर इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे बेटा तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, यही आएगा आंसर, चाहे इसको आप सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो. ठीक है, तो सिर्फ फर्क क्या है कि अगर आपको एग्जाम में पर्टिकुलरली मेथड मेंशन किया हुआ है तो आप पर्टिकुलर उस मेथड से करोगे, अगर सिंपल उन्होंने बोला है सॉल्व करो तो जो आपको इजी लगता है तीनों में आप उस मेथड के साथ जाओगे. ठीक है, वैसे सबसे जो इजीएस्ट मेथड है तीनों में वो एलिमिनेशन मेथड है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट थे, चार पार्ट हैं, मैंने करवा दिए, दो आप खुद करेंगे होमवर्क आपके लिए. तो आई होप जब आपको मेथड क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टर्म्स आगे पीछे चेंज हो जाए तो आप आराम से इसको आप हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, फिर भी अगर उन दोनों पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फिर से वही जैसे सब्स्टिट्यूशन में हमने किया था कि फॉर्म करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ
और फिर उसको सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो किसका नाम लिया गया है? फ्रैक्शन का। तो मैंने आपको बोला था जब भी फ्रैक्शन की बात होगी तो क्या होता है, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म होती है। तो उसमें हम एक न्यूमिरेटर लेट कर लेते हैं एक्स और एक डिनोमिनेटर लेट कर लेते हैं वाई, तो फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी एक्स अपॉन वाई। अब उसने क्या बोला है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर, मतलब x प्लस 1 करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और y माइनस 1 करेंगे। ठीक है, इसमें प्लस 1 करेंगे, इसमें माइनस 1 करेंगे, जो हमारी फ्रैक्शन है वो आ जाएगी 1, मतलब x प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब ax प्लस by इज इक्वल टू c की फॉर्म में लाओ, y इधर आएगा माइनस का, ये प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 1 का, माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2। अब ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में कुछ ऐड नहीं करना है, मतलब x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में y प्लस 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी x डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। देखिए, ठीक है, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, y को इधर ले आओ, जनरल फॉर्म बनानी है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में देखो यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, मतलब इसका कोफिशियंट 1 है, इसका कोफिशियंट 1 है। तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है हमें, तो हम दोनों इक्वेशंस को लिख देंगे। लेकिन ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितना कष्ट करना है हमने, सिर्फ इनके साइंस जो है वो चेंज करने पड़ेंगे सबके। ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का। अब ये माइनस 2x और माइनस x, सॉरी प्लस x, ये आ जाएगा माइनस x, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3। अब x मेरे पास आ गया 3, तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये है, एक ये है। दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में x की वैल्यू डाल दो, अगर मैं यहाँ डाल देती हूँ 3 आ गया ना, 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, x अपॉन y, मतलब 3 अपॉन 5। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने करना था। ठीक है, इक्वेशंस बनानी आपको मैंने सिखा दी हुई हैं, सिर्फ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जब आपने बना दी, तो जो भी आपको मेथड पूछा है, चाहे सब्स्टिट्यूशन पूछा है, चाहे एलिमिनेशन, दोनों मेथड्स पे आपका होल्ड होगा, तो आप आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट है इसका, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, इस तरीके के हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, एक आफ्ताब और उसकी डॉटर का और एक जैकब और उसके सन का। तो यहाँ पर दो बंदे कौन है, नूरी और सोनू है, तो लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी है एक्स है और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी है वाई है। तो 5 years ago पीछे वाले में जाएंगे, तो पीछे वाले में कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी x माइनस 5, इसकी हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। 10 years later आने वाले 10 years में अगर करेंगे तो नूरी की कितनी है x प्लस 10 और सोनू की कितनी है x प्लस y, सॉरी x प्लस 10 और y प्लस 10, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 10। तो यहां से भी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, देखिए बेटा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी सैंपल पेपर लोगे तो ऑलमोस्ट एक सैंपल पेपर छोड़ के आप कोई भी बुक लोगे तो हर एक पेपर में ये क्वेश्चन दिखता है आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन पहली बार आप समझ रहे हो उसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लगेगा, तो मैं अपनी तरफ से आपको बड़े इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit number, एक 2-digit number है। ठीक है, पहले तो मेरी बात सुनिए, देखो अगर मैं कोई 2-digit number लेती हूँ, मान लो मैंने 2-digit number ले लिया 24। ठीक है, ये ले लिया मैंने 2-digit number। अब इस ये कौन सी होता है, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे होता है ना, ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है टेंस डिजिट। ठीक है, यही बोलते हैं ना, वंस टेंस फिर 100,000, तो बोलता है हमने 2-digit number लेना है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपैंडेड फॉर्म होती है बेटा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, 24 को मैंने अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखती हूँ, देखो 2 क्या कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 2 + 4, तो 10 × 2 = 20, 20 + 4 = 24। ठीक है, ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म होती है, 2 टेंस प्लेस पे है तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई, 4 वंस प्लेस पे है तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई, अगर कुछ 100 प्लेस पे होता तो उसको 100 के साथ करते थे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अभी हमारी 2-digit की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब द सम ऑफ
द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर. अगर मैं दो डिजिट नंबर कोई ले रही हूँ और उनको आपस में प्लस कर रही हूँ तो उनका जो प्लस आएगा वो आएगा 9. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लेट कर लिया कि दो डिजिट हैं अगर, तो 10 डिजिट पे जो है, 10th प्लेस पे अगर एक्स है और यूनिट प्लेस पे वाई है, तो कह रहा है उन दोनों डिजिट्स को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरा आंसर आना चाहिए 9. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आई होप यहां तक क्लियर है. अब आगे चलते हैं. बोलता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज. अब दिस नंबर, ये नंबर कौन सा हुआ, ये तो मैंने डिजिट लिए ना, नंबर कौन सा हुआ. अब देखो ये 10th प्लेस पे है तो 10x प्लस 1th प्लेस पे है प्लस वाई, यही किया था ना मैंने. 10th प्लेस पे है 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस वाला नंबर प्लस 1th प्लेस वाला, तो ये 10th प्लेस पे था 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1th प्लेस वाला, तो ये मेरा है टू डिजिट नंबर. अब उसने क्या बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर 10x प्लस वाई इज ट्वाइस द नंबर. ये है ट्वाइस द नंबर, कौन सा नंबर, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. अब देखिए क्या कह रहा है, हमारा ये जो नंबर था इसको जब हम 9 टाइम्स लेंगे ये ट्वाइस आएगा, कौन से नंबर के, इसी नंबर के, अगर इसके जो डिजिट्स हैं वो हम रिवर्स कर दें. मतलब जो 10th प्लेस पे था, मतलब ये 24 था ना, इसको 42 कर दें. तो इस केस में अगर डिजिट्स रिवर्स कर दें, मतलब जो 1s पे था उसको 10s पे ला दो और जो 10s पे था वो 1s पे ला दो. तो ये इसने करा. ये टू डिजिट नंबर कैसे बना हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये 10th प्लेस पे था इसको मल्टीप्लाई 10 के साथ प्लस 1s प्लेस वाला, इसको रिवर्स जब करेंगे तो क्या बनेगा न्यू नंबर 10, और ये डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, ये वाला 1s प्लेस वाला इधर आ जाएगा, 10s प्लेस वाला इधर चला जाएगा. तो यही इसने दूसरी कंडीशन में कहा है कि 9 टाइम्स ये जो नंबर होगा 2 टाइम्स दूसरे नंबर के आएगा जिसमें हमने डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स कर दिए हैं. अब कुछ नहीं, अब ओपन कर दो 90x 9y 20y प्लस 2x. ठीक है, तो ax प्लस by इज इक्वल टू सी की फॉर्मूला, और 90x माइनस ये देखो 2x भी इधर आएगा और y वाले एक साइड कर लो तो ये 88x इज इक्वल टू 11y. तो 8 कॉमन ले लो, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी, देखो x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो दोनों इक्वेशंस लिख लो. ठीक है, देखो yy आ रहा है, y का कोफिशियंट 1, y का कोफिशियंट 1, तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा एफर्ट देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर भी हमें जो है एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है साइन चेंज करने की, यहाँ ऑटोमेटिकली गिवन है. सीधा इसको काट दो, 8 प्लस 1 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1. अब x की वैल्यू 1 आ जाती है तो दो हमारे पास इक्वेशन थी, एक ये है और दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास ये थी x प्लस y इज इक्वल टू 9. तो किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 1 डाल दो तो y आ जाएगा 8. तो इसका मतलब जो टू डिजिट नंबर था तो वो कैसे लिखते थे, 10 मल्टीप्लाई डिजिट एट 10th प्लेस प्लस डिजिट एंड 1 प्लेस. तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, तो इसका मतलब जो डिजिट था हमारे पास वो क्या था, 18 था. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. क्या बोल रहा था उसने कि दोनों को प्लस करोगे तो 9 आना चाहिए, 1 प्लस 8 आ रहा है ना 9, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है. आपने सिर्फ फोकस यहाँ पर देना है कि ये हमारा जो है वो किस तरीके से बनेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनी, एक 10th डिजिट पे एक 1s डिजिट पे. तो कैसे बनती है, 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस वाला प्लस यूनिट वाला. ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है. और जब हमने रिवर्स बनाया तो 10 का 10 ही रहेगा, सिर्फ डिजिट्स इंटरचेंज कर देने हमने, जो 1s प्लेस पे था वो 10s पे चला जाएगा और जो 10s प्लेस पे था वो 1s प्लेस पे चला जाएगा. ठीक है, आगे एलिमिनेशन से हमने करना है. अगर एग्जाम में नहीं बोला हुआ एलिमिनेशन यूज करने के लिए, तो जो दोनों में आपको ईजी लगता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, यू कैन गो बाय दैट मेथड. ठीक है बच्चे, फोर्थ पार्ट देखिए. मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000. ठीक है, मीना बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए, कितने, 2000. शी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 नोट्स. ठीक है, उसने कैशियर को बोला कि उसने 2000 चाहिए, लेकिन 2000 में उसको सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए, उसके अलावा और कोई नोट उसको नहीं लेना है. ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. तो मीना ने जब 2000 निकाला तो उसको कितने नोट मिले टोटल, कैशियर ने उसको दिए 25 नोट्स. ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव. तो हमने बताना है कितने नोट उसे 50 के मिले होंगे और कितने नोट उसे 100 के मिले होंगे.
ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ, नंबर ऑफ 100 और 50 के नोटों की। तो हमने क्या लेट कर लेना, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितने हमने x ले लिया और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट हमने ले लिया y, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि उसको टोटल नोट कितने मिले 25, टोटल मतलब 50 और 100 के नोट। तो पहली कंडीशन आ जाएगी x प्लस वाई उसको कितने मिले 25, 25, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने क्या किया, 2000 उसको लेना था तो उसने कैशियर को बोला 50 रुपीज के नोट दो और 100 के दो, मतलब 50 रुपीज के नोट कितने लिए होंगे उसने, अगर मुझे x लेट किया ना मैंने तो कितना आ जाएगा 50x और 100 रुपीज के कितने नोट होंगे, y लेट किया अभी मैंने तो 100y, तो इन दोनों को मिला के उसको कितने मिले 2000 रुपए मिले, ठीक है। अब इसमें देखो 50 कॉमन आ सकता है, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y, यहाँ आ जाएगा 50 × 40, 50-50 कैंसिल, तो ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशंस मुझे मिल चुकी हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पर x का कोफिशियंट 1, यहाँ x का कोफिशियंट 1, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों प्लस प्लस के हैं तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे सबके। प्लस का है माइनस क्यों हो जाएगा, प्लस का है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो जाएगा वाई प्लस टू वाई, सॉरी y माइनस टू वाई, तो ये आ जाएगा माइनस वाई, और 40 में से 25 जाएंगे तो 15, 40 बड़ा है तो नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल तो y आ जाएगा 15। अब y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ तो क्या आएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x आ जाएगा मेरा 100, ठीक है। तो अब देखिए 50 को मैंने क्या लेट किया था, x लेट किया था ना 50 रुपीज के नोट को, इसका मतलब उसको कितने 50 रुपीज के नोट मिले होंगे 10, और 100 रुपीज के कितने नोट मिले होंगे 15, तभी 10 प्लस 15 25 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है लास्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। कोई लाइब्रेरी है बच्चों को बुक्स देती है, उसका क्या है फिक्स चार्ज उसने रखा हुआ है पहले 3 दिनों के लिए, उसके बाद उसने क्या किया है एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, 3 दिन के, 3 दिन उसने फिक्स रखा है ना, 3 दिन के बाद जितने भी दिन को यूज करेगा तो उसने एक्स्ट्रा चार्ज रखा हुआ उसका पर डे। सरिता एक लड़की थी, उसने 27 रुपीज दिए बुक को, 7 दिनों के लिए उसने बुक रखी, ठीक है। और सूजी ने 21 रुपीज दिए, उसने बुक रखी 5 दिन के लिए, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज इन द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, कुछ कुछ क्वेश्चन ये मिलता जुलता है, जो हमने अभी 3.3 में टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर उसके जैसा ही मिलता जुलता है, ठीक है। तो देखिए दो चीजें उसने साफ यहाँ पर बोली है निकालने के लिए, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम ले लेते हैं फिक्स चार्ज हमारा x है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमारा y है, ठीक है। दो लड़कियों की बात यहाँ पर हुई है, सरिता और सूजी। सरिता ने देखो कितने पैसे दिए, 27 रुपीज दिए बुक के लिए, और कितने दिन उसने बुक रखी, 7 दिन, ठीक है। कितने पैसे दिए उसने, 27, बुक कितने दिन रखी उसने, 7 दिन। अब जब बच्चा 7 दिन उसने बुक रखी है तो उसने किस हिसाब से पैसे दिए होंगे, 3 दिन, पहले 3 दिन के क्या है फिक्स चार्ज है, वो तो उसने दे ही है, फिक्स चार्ज कितना x, तो x तो आएगा ही आएगा, फिक्स चार्ज था तो फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए था, 3 दिनों के लिए, उसने बुक कितने दिन रखी है, 7 दिन, तो 7 - 3 कितना हो गया, 4, तो इसका मतलब 3 दिन तो उसके फिक्स चार्ज लगे और बाकी के जो 4 दिन थे उसको क्या लगा, एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा पर डे का चार्ज था, तो पर डे का y था तो 4 दिन के हिसाब से 4 × y लगेगा, ठीक है। फिर से बता दूं, फिक्स चार्ज x, ठीक है, 7 दिन उसने बुक यूज की बेटा, 7 दिन में उसने क्या बोला है, पहले 3 दिन जो हैं हमने फिक्स चार्ज रखा है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है, वो फिक्स रखा है जो वही रहेगा, लेकिन 3 दिन से ज्यादा अगर कोई बुक रखेगा ना तो 3 दिन से ज्यादा पर डे के हिसाब से उसको चार्जेस लगेंगे। अब जब उसने 7 दिन बुक रखी होगी तो 3 दिन तो उसका फिक्स था, ठीक है, तो 7 दिन में से 3 दिन निकले तो बाकी कितने उसको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से, ऑब्वियसली 4 दिन, तो पहली इक्वेशन बन जाती है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अब अगर दूसरी इक्वेशन में सूजी की बात करें, देखो सूजी ने कितने पैसे दिए, 21 रुपीज दिए उसने, उसने बुक कितने दिन रखी थी, 5 डेज रखी थी। अब जब 5 डेज रखी थी, उसने भी पहले 3 दिन तो उसके फिक्स थे, उसने देने ही देने थे जो फिक्स थे, तो फिक्स के अलावा उसको कितने दिन और रखनी पड़ी पर डे हिसाब से, 2y, ठीक है, फिक्स तो वो देगी, साथ में आ जाएगा 2y, 2 दिन और एक्स्ट्रा उसको देने पड़े, 3 × 2 = 5, 3 × 4 = 7, ठीक है।
अब दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, देखो कोफिशियंट वन सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगी आपकी y की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में ही डाल दो, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x आ जाएगा मेरा 15, y भी आ गया x भी आ गया, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे x क्या था हमारा, फिक्स चार्ज कितना है 15 है, और चार्ज जो है 3 दिनों के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा पर डे पे वो लगेगा 3 रुपीज़। तो कंक्लूजन हमेशा आपने लास्ट में लिखना है, नहीं तो इसके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड और उसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्लैरिटी आई होगी, ठीक है बेटा।